नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस वीडियो में। मार्केट को एनालाइज करेंगे, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कल के लिए। दोस्तों कल है आपकी तारीख 28 ऑफ मे और दिन है कल मंगलवार का, यानी ट्यूसडे का। मार्केट में आज क्या हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे एंड जो आगे आने वाले 3-4 दिन है, ठीक है। उठा पटक जिस प्रकार की आपने आज देखी, ऊपर का भी मूव देखा, नीचे का भी मूव देखा, इस प्रकार का रहेगा दोस्तों, ठीक है। और बैंक निफ्टी रहेगा बुलिश, जो चीज़ें दिख रही हैं एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार डिस्क्लेमर, ये दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना बहुत ही मैंडेटरी है, समझना मैंडेटरी है। इसको पढ़े लिखे समझने के बाद ही आप मेरी वीडियो पे आगे पढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, ये स्टडी पर्पज़ से ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अब ये है दोस्तों आपका निफ्टी का चार्ट, ठीक है। हमने आज एक हाई देखा, क्या हाई देखा हमने आज, 23,109, ठीक है। और आपके साथ जो चीज़ मैंने शेयर की थी, क्या शेयर किया था, ये यहाँ पे देखेंगे आप कि 22,900 के ऊपर बी ऑन बाई साइड टारगेट 23,025, 23,070 एंड 23,110, ठीक है। बैंक निफ्टी 48750 के ऊपर बाई साइड में रही है, 49000, 4920, 4940, ऑलमोस्ट आज हमने 4970 देख लिया है और 50,000 भी शायद हम आने वाले टाइम में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं दोबारा से चार्ट पे, निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें ये जाएगा इस लाइन के आसपास, यहाँ पे ऐसे जो ये रेजिस्टेंस है, ये भी आपसे कल भी डिस्कस किया है, यहाँ पे आपको कोई रैली देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है। ऐसे 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 कोई रैली देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे की तरफ मिला आपको 22,800 से लेके 22,900, ये अब सपोर्ट का काम करेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आता है, कभी मिले आपको इंट्राडे में, कभी कुछ मिले, यहाँ बाई कर लेना, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना ऊपर की तरफ, जैसे मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए, ठीक है। 23,070 से लेके 23,120, ये एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ पे एग्जिट करते जाना है, ठीक है। और 23,125 अगर जिस दिन ट्रिगर हो गया उस दिन आपको 23,180 के आसपास भी मार्केट दिखेगा, मतलब रैली जो है 30-40-50 पॉइंट और आपको ऊपर की तरफ दिख सकते हैं जिस दिन 23,125 ट्रिगर होगा, ठीक है। तो कह लीजिए आप ऑलमोस्ट आपको इस जोन में एक बार कंप्लीट एग्जिट लेना ही लेना है, कंप्लीट एग्जिट आपको लेना ही लेना है 23,070 से लेकर 23,120 के बीच में। नीचे 22,800-22,900 के पास मिले फिर से बाई कर लीजिए, यही है निफ्टी, इससे ज़्यादा निफ्टी कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपको यही दिखने वाला है, ठीक है, जैसा कि अब तक चलता आया है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस को काटेगा ऊपर जाएगा फिर नीचे, ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस को काटेगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, ठीक है, फिर एक और ATH लगाएगा, रेजिस्टेंस को काटेगा फिर नीचे, यहाँ पे आया इसको काटा फिर एक ATH फिर नीचे, फिर ऊपर आया फिर नीचे आया, यहाँ इसको काटा इस बार एक नया ATH, ऐसे नीचे आके फिर ऊपर, यही रहने वाला है, ठीक है। ये चेन मतलब ये ऊपर की तरफ कब ऐसे दिखेगा, ये हमें तभी दिख सकता है जब ये 23,225 के ऊपर जाके क्लोज करे इसी वीक में, यही फ्राइडे तक, आगे की बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे तो यहाँ पे टाइम पास कर करके ये लेवल आ ही जाएगा, एक दिन को 23,500 भी आ सकता है, ठीक है। अगर इसी फ्राइडे तक इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर देता है इसी फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन इस लेवल के ऊपर ही रहता है, तब हम जरूर आगे 300-400 पॉइंट की और रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आगे की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा निफ्टी बाय ऑन डिप्स। नीचे 22,900 22,800 की रेंज में बाय करिए, ऊपर 23,100 के आसपास निकल जाइए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब
भाई देखिए, लोगों ने कमेंट करके ना, अंधभक्त बीजेपी का सपोर्टर, भाई मैं कोई सपोर्टर वपोर्टर किसी का नहीं हूं। मैंने जो कल की जो वीडियो बनाई है, अब जो ओपिनियन पोल वगैरह दिख रहे हैं उसमें दिख रहा है भाई बीजेपी जीत रही है, और हमने भी अपने शहर में आसपास चीजों देखी है, यारों दोस्तों से बातचीत करी है, दोनों दिख रहा है बीजेपी जीत। अब बीजेपी हारे चाहे जीते मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं तो खुद आपको बोल रहा हूँ, जो मेरा मंथली चार्ट का एनालिसिस है, लो अगर मैं बड़े चार्ट पे पढ़ता हूँ, मंथली चार्ट का जो मैं चार्ट देखता हूँ, ये मंथली वाला, मेरे को तो मेरा पहला टारगेट ही 20,200 दिखता है भाई, एनालिसिस, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, 20,200 के आसपास मेरे को निफ्टी डेफिनेटली इस साल में एक बार आना चाहिए, और इनफैक्ट इसके नीचे के भी टारगेट ओपन हो जाएंगे अगर वो, चलो बहुत बाद की बात है, ठीक है। अब मैं अगर तेजी की बात कर दे रहा हूँ, कुछ हो जा रहा है तो बीजेपी गवर्नमेंट भी, भाई बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, हो सकता है भाई मार्केट शूट करे, कौन जानता है, ठीक है। और अगर जो मेरा एनालिसिस कह भी रहा है, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ नीचे का, तो भाई जब तक नीचे के नंबर नहीं ब्रेक करेंगे तब तक भाई मैं शॉर्ट पोजिशन तो लेके नहीं बैठने वाला, ठीक है। जब तक मेरा नंबर नहीं ब्रेक करेगा, लेवल जब तक नहीं टूटेगा, तो जो मर्जी एनालिसिस हो, जो मर्जी व्यू हो, भाई वो आ तो नहीं रहा ना स्क्रीन पे, ठीक है। और अब यहाँ पर जहाँ पर मार्केट है, यहाँ से कोई डाउन साइड की अगर बात करेगी जाना, तो भाई सबसे पहला इंडिकेशन 22,470, इसके नीचे क्लोजिंग आनी ज़रूरी है। अब ये बहुत दूर की बात है कि हम डाउन साइड की बात करें, ठीक है। और इसके बाद भी ये यहाँ जो ये बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, 21,700 से लेके 21,900, ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, चार पांच बार पलटी मारा है यहाँ से, ठीक है। तो जब तक नंबर नहीं ब्रेक होंगे, खामोखा एनालिसिस और व्यू के बेस पे शॉर्ट पोजीशन तो बनाने का फ़ायदा है नहीं। अब भाई मार्केट ऊपर का नंबर काट रहा है, तेजी दिख रही है, अब मैं इसमें बीजेपी का सपोर्टर कह लो, आप जो मर्जी कह लो, अरे किसी की भी गवर्नमेंट बने यार, ठीक है, मार्केट से कोई किसी का सपोर्टर नहीं हो जाता। मार्केट ने 22,850 काटा, उससे पहले मार्केट ने 22,350 काटा, तो भाई तेजी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऊपर लो अभी बता देता हूँ मैं, बीजेपी गवर्नमेंट बने ना बने, ये नंबर अगर ऊपर की तरफ कट जाता है सेम डे 23,175 नहीं ट्रिगर होता, आपको और ऊपर 200-250 पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो जितना मार्केट ऊपर का नंबर काटेगा भाई ऊपर जाएगा, और जब नीचे के नंबर काटेगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमारे नंबर हैं, सरकार किसी की भी बने कैसी भी बने, ठीक है। अब इसमें तुम मुझे अंधभक्त कहना है, जो मर्जी कहना है कह लो, ठीक है, चलिए और ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, ये रहा बैंक निफ्टी दोस्तों, इसने डॉटेड लाइन को क्रॉस कर दिया और एक अच्छी खासी तेजी दिखाई, मेरे ख्याल में 46688 के आसपास का आज का हाई है, ठीक है। और बढ़िया पैसा बन रहा है बैंक निफ्टी में, बढ़िया 685 के आसपास की, ये कल आपके साथ चार्ट शेयर किया था, ये देखिए, ठीक है, 27th में के लिए, कि यहाँ से ये अब इस लाइन को छूने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा अभी, ठीक है। तो इसने आधा रास्ता तो तय कर लिया है, अब देखते हैं। हमने भी 50,000 की सी ले रखी थी, सोचो 48750 से 50,000 की सी, तो कुछ दिखा ना स्टडी चार्ट पे, कुछ दिखा तभी तो ली है। और वो 50 की सी आज 220-225 प्लस ट्रेड कर रही थी, यहीं पे 80% माल हमने काट लिया आज। अब यहाँ पे है, ये बुलिश है भाई, 48,49,284, ठीक है। अब कल हमने नंबर पकड़ा था 48750, अब आप नंबर पकड़ लीजिए 49160। जब तक इस नंबर के ऊपर है बैंक निफ्टी 49160, बी ऑन बाय साइड, आपका पहला टारगेट तो यही है जो आज का हाई है 49650 के आसपास, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये जाएगा इसको छूने के लिए, ये निकल के आता है 50,200 प्लस, ठीक है, बी ऑन बाय साइड
जब तक कि 49160 के ऊपर है। इसके नीचे चला जाता है तो एक बार को निकल जाइए, मार्केट शायद एक आधे दिन कोई रेड कैंडल बनाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट तो भाई किसी भी हालत में अभी तक कोई ऐसा कुछ बन नहीं रहा, ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ बन नहीं रहा। यहाँ से दिशा को चेंज होने के लिए टाइम लगेगा, एक बढ़िया कैंडल चाहिए होगी, ठीक है। कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पे कुछ, फिर एक बढ़िया रेड कैंडल बने जो कम से कम लास्ट 2 डेज के लो को काट के नीचे की तरफ क्लोज करे, ठीक है, या फिर बिल्कुल इधर टॉप पे जाके हिम्मत करके एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया जाए, कॉन्ट्रा ट्रेड, जैसे यहाँ पे बाई लिया किसी ने, ऐसे यहाँ पे शॉर्ट लिया हमने, यहाँ पे बिल्कुल डॉट, याद होगा आपको, 4700, ठीक है, नहीं तो दिखाता हूँ, ये देखिए तारीख है 22 मई, बैंक निफ्टी 4700, सपोर्ट 4750, क्लोजिंग बेसिस टारगेट ये पोजिशनल, इसमें जो ट्रेड लिया था वो लिया था 48500 की सी का, और पिछला जो ट्रेड है वो है 487500 से, जहाँ पे ट्रेड लिया है 50000 की सी का, ठीक है। तो उम्मीद है कल भी मार्केट शायद तेज ही रहे, ठीक है दोस्तों। जो नंबर मैंने डिस्कस किए बस उनका ध्यान रखिएगा, निफ्टी 22900 के नीचे नहीं ट्रेड करना चाहिए, बी ऑन बाय साइड फॉर टुमारो। हाँ इसका आप बोलोगे कि अभी मैंने बोला 22800 से लेके 22900 के बीच में सपोर्ट है, भाई है सपोर्ट, पर आपको बाइंग की पोजीशन में इस लेवल के ऊपर रहेगा तो ही रहना है, इसके नीचे रहेगा अवॉइड करिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है साइडवेज रह के ऐसी कुछ कैंडल बना दे, तो उसमें पोजीशन नहीं बनानी। 22900 के ऊपर है, बी ऑन बाई साइड, बिंदास बी ऑन बाई साइड, पर अपने आप को खाली करिए 23100 के आसपास, ठीक है। बैंक निफ्टी 49160 जब तक इस नंबर के ऊपर है, बी ऑन बाई साइड, बिंदास बी ऑन बाई साइड, ठीक है। और बैंक निफ्टी में बाई करिए, निफ्टी को अवॉइड करिए, कल भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, आज भी मैं ये बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बनाइए, ऊपर ये टारगेट है, ठीक है। कोई भी क्लोजिंग इसकी 49800 के ऊपर आ जाती है, डेफिनेटली आपको 50300 के आसपास दिखेगा, बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।